रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज स्केल दास। आई एम अ फैकल्टी ऑफ CBPS इन रांची यूनिवर्सिटी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस। This is my second lecture based on this topic. This topic is beneficial for all the CPPS students and for all those students who are preparing for competitive exams. Students, in my last lecture, I have already discussed the concept of profit and loss and its formula based on how to find CP, SP, profit percent and loss percent. So students, today I am going to discuss the questions based on these formulas. My first question is, by selling a car for rupees 64,000, Mr. Rao lost 20%. Then the cost price of the car is. Students, Mr. Rao ने एक कार को 64,000 रुपया में बेचा तथा उसे 20% का हानि हुआ। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कार का क्रय मूल्य क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है SP = 64,000 एंड लॉस परसेंट = 20। तो वी नो डैट CP = SP × 100 बाई 100 माइनस लॉस। तो स्टूडेंट्स, SP × 100, तो SP आपको गिवन है 64,000 इंटू 100 लिखेंगे बाय 100 माइनस लॉस लिखेंगे 20। तो आपका इक्वेशन बनेगा 64,000 इंटू 100 यानी SP × 100 बाय 100 माइनस 20 80। तो 64,000 इंटू 100 बाय 80, इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर 80,000 आएगा। स्टूडेंट्स, CP निकालने का ये बहुत ही इजी तरीका है। आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, CP = SP × 100 / 100 - लॉस। लॉस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा और प्रॉफिट रहेगा तो प्लस कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइटम सोल्ड फॉर रुपीज 61690 अर्न्ड 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस देन द ऑन द सेलिंग प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस इज। एक वस्तु को 1690 रुपया में बेचकर 30% का लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में SP यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1690, गेन परसेंट आपको गिवन है 30। तो हम लोग जानते हैं CP = SP × 100 / 100, गेन है तो प्लस लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं SP का वैल्यू 1690 इंटू 100 बाय 100 प्लस 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 30 लिखेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1690 इंटू 100 बाय 130। और जब आप इसे कैंसिल कीजिएगा तो आपका फाइनल वैल्यू आएगा 1300। सो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस 1300 होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉप मैन बॉट पेंस एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। एक दुकानदार ने 10 रुपया में 7 की दर से पेन खरीदा और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। हाउ मेनी पेंस वुड अ कस्टमर गेट फॉर ₹10? तो उसे 10 रुपया में कितना पेन होगा। स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेन्स वुड अ कस्टमर गेट फॉर ₹10? 10 रुपया में कितना पेन मिलेगा, मतलब उसने बेचा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है SP निकाल लेते हैं। तो SP = हो जाएगा CP × 100 + प्रॉफिट परसेंट / 100। तो
एस पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट तो 40% है, यानी कि ये फाइनल इक्वेशन बनेगा आपका एस पी इक्वल टू एस पी ऑफ 7 पेंस, क्योंकि 7 पेंस है, 7 10 रुपया में 7 पेन जो है बेचता है वो, तो एस पी ऑफ 7 पेंस इक्वल टू सी पी कितना गिवन है 10, सी पी हम लोग लिख देते हैं 10 × 100 + 40 = 140/100, तो यहाँ पर कैंसिल कीजिएगा तो आपका आएगा 14, यानी एस पी ऑफ 7 पेन इक्वल टू आ जाएगा 14, तो एस पी ऑफ 1 पेन इक्वल टू 14/7 2 रुपीज आएगा। तो आपसे पूछा है 5 पेंस वर सोल्ड फॉर, एस पी ऑफ 7 पेन इक्वल टू ₹10 हो जाएगा। वही आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था हाउ मेनी पेंस वुड अ कस्टमर गेट्स फॉर ₹10, उसे 10 में कितना पेन जो है, तो 5 पेंस वर सोल्ड फॉर ₹10। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%। एक वस्तु को ₹960 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है ₹960 और लॉस दिया हुआ है 4%। तो हम लोग सीपी ऑफ आर्टिकल कैसे निकालेंगे, सीपी ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 100 × SP या SP × 100 / 100 - loss%। तो स्टूडेंट्स एस पी है हमारा 960 × 100 लिखेंगे बाई 100 - loss%, यानी 100 - 4 = 96 लिखेंगे। तो आपको इक्वेशन मिलेगा एस पी 960 × 100 / 100 - loss यानी 96, और जब आप इसे कैंसिल कीजिएगा तो आपको मिलेगा ₹1000, यानी उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ₹1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80%, इट्स 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 80% है, देन द प्रॉफिट परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में एस पी अगर आप हम लोग सपोज कर लेते हैं 100 रुपीज, तो सी पी होगा 80 रुपीज, क्योंकि बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो सी पी है वो उसके एस पी का 80% है, तो एस पी हम लोग 100 मान लेते हैं, तो सी पी 80% है, तो 80 रुपीज होगा। तो यहाँ पर देखिए गेन कितना होगा, गेन आपका 80 रुपीज का प्रोडक्ट है और आप सेल किए हो 100 रुपीज में, तो 20 रुपीज गेन होगा, यानी प्रॉफिट होगा, 20 रुपीज प्रॉफिट है। तो अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 / CP। तो प्रॉफिट हमारा है 20, सीपी हमारा 80 × 100 कर देंगे, यानी 20/80 × 100, और जब इसे कैंसिल कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 25%, यानी कि सीपी ऑफ द प्रॉफिट परसेंट ऑन दिस आर्टिकल इज 25%। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था जिसे आप इजीली कर पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड और टेक्निक दोनों ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर ₹135,000, यानी कि एंड स्पेंट 25,000 ऑन रिपेयर। एक व्यक्ति एक कार ₹135,000 में खरीदा तथा उस पर रिपेयरिंग के खर्च ₹25,000 आए, यानी ₹25,000 रिपेयरिंग पर भी खर्च किया। एट व्हाट प्राइस द कार सोल्ड इफ इट सफर्स 10% लॉस ऑन इट। तो आपसे पूछा जा रहा है कार को किस मूल्य पर बेचा गया यदि उसे इस सौदे में 10% की हानि हुआ हो। तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। सबसे पहले आप निकाल लीजिए टोटल सीपी ऑफ कार, टोटल सीपी आपका ₹135,000 में आपने ख़रीदा था, प्लस ₹25,000 आपको लगा रिपेयरिंग में, यानी टोटल कॉस्ट आपको लगा ₹160,000। ₹160,000 इस कार का हो गया क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और आपको लॉस दिया हुआ है 10%। तो हम लोग यहाँ पर सीपी पता है, लॉस पता है, तो एसपी ऑफ कार निकालना है। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ एसपी, एसपी ऑफ कार इक्वल टू सीपी इनटू 100 - loss / 100। फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य
इक्वल टू क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, यानी कि सीपी के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए 160,000 गुना 10% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 10 बटा 100, यानी कि आपको इक्वेशन मिलेगा 160,000 गुना 90 बटा 100, यानी कि 1600 गुना 90 144,000 रुपया आपका आंसर आएगा। यानी सीपी ऑफ कार का विक्रय मूल्य 144,000 रुपया होगा, जिसका क्रय मूल्य 160,000 रुपया था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब देखिए कि इसको आप और इजीली निकाल सकते थे कि 160,000 रुपया का कोई प्रोडक्ट है, उस पर 10% का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो 160,000 का 10% 16,000 होगा, यानी कि उसको 144,000 रुपया में, यानी कि 160,000 में से 16,000 माइनस कर दीजिए। एसपी इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, यानी 160,000 माइनस 16,000, तो 144,000 रुपया आपको यहां से भी आ जाता। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल द बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, जिसे आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।